गुड इवनिंग गाइस, मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूँ कोडिंग जंक्शन के हमारे एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के इस डेमो के अंदर। मेरा नाम आदित्य जी केरूर है और हमारे साथ आज कोडिंग जंक्शन से अभय सर जुड़े हुए हैं। ये एक सर्टिफाइड हैकिंग फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर हैं जो पुलिस के साथ भी बहुत बार काम कर चुके हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर हम दोनों आपके प्राइमरी टीचर रहेंगे, पर उसके पहले जान लेते हैं इस फील्ड के बारे में। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, जैसे ही आप लोग को दिखेगा आप लोग प्लीज बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए जब तक हमारा Q&A सेशन स्टार्ट नहीं होता। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं सारी चीजें, फिर आप अपने डाउट्स पूछेंगे तो अच्छे से सॉल्व होंगे। थैंक यू। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं हम लोग। देखिए, 2024 के अभी स्टैटिस्टिक्स आए नहीं है, तो 23 के ही देखते हैं। 23 के अंदर ये बोला गया है कि 2017 के अंदर 170 बिलियन की इंडस्ट्री थी साइबर सिक्योरिटी की, जो कि 202 बिलियन डॉलर्स की बन गई है 2023 के अंदर। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और ये चेंज हुआ है प्योरली एक एंड वन एंड ओनली रीजन की वजह से, वो है कोविड। कोविड के बाद हमारे ट्रांजैक्शंस, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस, हमारे मीटिंग्स, हमारे फाइल ट्रांसफर, हर चीज डिजिटल हो गया है। नथिंग इज फिजिकल एनीमोर, डिजिटल हुई ही चीजें। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे खास कर ध्यान देना शुरू किया गया है, क्योंकि आप कोई भी चीज ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, तो आप ये तो चाहोगे ना कि आपका डेटा सेफ रहे। मान के चलो आप ऑफिस में अपने बॉस को एक PPT भेज रहे हो या एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि वो सेफ रहे, वो रिसीवर सेंडर टू रिसीवर ही जाए, बीच में किसी और के पास ना जाए। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स की वजह से साइबर सिक्योरिटी के ऊपर खास कर ध्यान दिया जा रहा है, और 202 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन गई है 2023 के अंदर। एंड फ्रॉम 11% टू 20% इंक्रीज होगा 2025 तक। ये एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड के साथ रिलेटेड जो अभी चल रहे हैं। तो आप लोग सोचो कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। मैंने आपको अभी अभी बताया, पोस्ट कोविड जो है इसका बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है। अगर आप स्किल्ड हो इस फील्ड के अंदर, आप स्किल्ड हो कि नहीं ये क्या है, ये आपको करना है एक चीज की वजह से, वो है नॉलेज गेन करके और प्रैक्टिस करके। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है जो मैंने मतलब जो मुझे ऐसे ही मिला, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। पर हाँ, नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक साइबर सिक्योरिटी का फील्ड जो है ये एक्सपैंड ही करेगा, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिक्लाइन नहीं होगा, है ना। ये मेरा प्रोफेशनल एक असेसमेंट है, ये मेरा प्रोफेशनल फोरकास्ट है कि ये डिक्लाइन नहीं होगा अभी, इट विल ओनली कीप राइजिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक तरह से कंपलसरी हो गया है अभी। आगे जाके तो और भी, देखिए अभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है ना। तो ऐसे ही और भी चीजें, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी हो गया है, डीमार्क है। तो ऐसे ही अलग अलग पॉलिसीज हमारे डेटा ट्रांसफर, हमारे इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। कोई भी आप लोग को डाउट्स होगा तो एंड सेशन के एंड में अपना डाउट्स पूछ के क्लैरिफाई करें। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिनको जॉब करने की इंटरेस्ट नहीं होगी। हाँ, एथिकल हैकिंग साउंड्स कूल, यस, पर आप लोग सोच रहे हो अरे यार मुझे जॉब नहीं करना है, पैसे कैसे कमाऊं मैं। तो इसका भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड के अंदर बग बाउंटी। बग बाउंटी क्या होता है, आपको यहाँ पे देखो, जैसे आप देख सकते हो ये एक वेबसाइट है HackerOne.com, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट्स हैं, बग क्राउड है ना, हैकर वन है। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिस पे VDP प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कंपनी जो होती है बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे जैसे आप देख सकते हो अभी ट्रू कॉलर है। तो जैसे ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को लिस्ट करती हैं एंड अपने आप को बोल मतलब दे डिक्लेयर डिक्लेयर करती हैं कि वी आर ओपन टू पेन टेस्ट। तो आपको क्या करना है, इन कंपनीज के अंदर कोई एक कंपनी पकड़ना है, पकड़ के उसके ऊपर पेन टेस्ट करना है। देखो एटलीस्ट इसमें $300 आपको मिल रहा है, इसमें एटलीस्ट $200 आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर आप बग्स निकालोगे इन वेब एप्लीकेशंस के अंदर, इन वेबसाइट्स के अंदर, इन एप्लीकेशंस के अंदर, तो आपको रिपोर्ट करनी है इन वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, देखिए तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है डोमेन, है ना, ट्रूकॉलर.com। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या है इसकी पॉलिसी, VDP पॉलिसी क्या है, और इसके रूल्स बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। और अनऑथराइज एक्सेस, जैसे यहाँ पे डॉस, देखो डीडॉस, डीडॉस करना मना है ना,
डिसरप्टिंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ट्रू कॉलर यूजर्स। तो देखो ये सब डायरेक्ट एक्सेस नहीं लेना है आपको दूसरों के इंफॉर्मेशन का, जिससे यूजर का जो इंटरफेस है उसमें कोई गड़बड़ी आए, तो ये सब आपको नहीं करना है। तो ऐसे रूल्स आपको स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं, जो कि हमारे पेन टेस्ट, जो अगर आप जॉब करोगे, अगर आप एक पेन टेस्टर बनोगे, तब भी आपको ऐसे ही रूल्स दिए जाएंगे जिसको फॉलो करके गाइडलाइंस के अंदर एथिकली आपको करना है काम। तो ऐसे, और ये है आउट ऑफ स्कोप, तो ये लास्ट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, आउट ऑफ स्कोप कि आपको क्या क्या नहीं करना है और कौन कौन सी चीजें आउट ऑफ स्कोप है। मतलब आउट ऑफ स्कोप का मतलब है अगर आप ढूंढोगे भी तो उसका आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये आपको ढूंढना है और बस। और यहाँ आपको मिल गया टेस्ट अकाउंट फ्रॉम टू, ये सारे डिटेल्स मिल गए, तो आप यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। आपका डोमेन यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए डोमेन यहीं पे दे दिया गया है, तो ये डोमेन पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बाउंटी। देखिए क्रिटिकल लेवल बग के लिए ये लोग $3,000 दे रहे हैं, देखिए दिख रहा है आपको, $3,000 तक दे रहे हैं अगर क्रिटिकल लेवल बग आप ढूंढ लेते हो तो। लो लेवल बग के लिए $100 दे रहे हैं, तो $3,000 मतलब अराउंड 2.7 लाख, 7 लाख, हाँ 2.4 लाख। तो सोचिए एक बग भी मिल गया आपको महीने के अंदर, तो 2 लाख, 2 लाख से प्लस कमाई तो ऐसी ही होगी। तो पर हाँ एक चीज है, बग्स निकालना इतना ये लोग क्यों पे कर रहे हैं आप लोग को, क्योंकि बग्स निकालना आसान नहीं है। यू नीड टू हैव नॉलेज, यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव स्किल। ये सब कैसे आएगा? प्रैक्टिस 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 से आएगा, पर आएगा जरूर, है ना। टाइम लगेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आपको पैसे भी मिलेंगे। इससे अच्छा जॉब बताओ कोई हो सकता है कि आपको करने में भी मजा आ रहा है और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और ज्यादा कुछ मतलब आपको भाग दो, भागा दौड़ी भी नहीं करनी, आप जहां बैठे हो वहीं पे पैसे आएंगे आपके। पर आपको मेहनत से करना है आपका काम इंटरेस्ट के साथ। तो ये है हमारा, देखिए ये एक एंटरप्रेन्योरियल ये है साइड है साइबर सिक्योरिटी का, कि आप बग बाउंटी कर सकते हो अगर आपको जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं है, है ना। तो मैंने आपको दोनों दिखा दिए, जॉब सेक्टर से आप कितना कमा सकते हो और वीडीपी इससे बग बाउंटी से आप कितना कमा सकते हो। ये एक एस्टीमेट है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतना ही कमा सकते हो, ज्यादा भी कमा सकते हो, और मिनिमम तो मैंने दिखाई दिया कि कितना कमा सकते हो। एक एक प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ प्रोग्राम्स $100 देती हैं, कुछ $50 देती हैं, है ना। पर आपको मिनिमम बेस एक मिल जाएगा कि आप कितना एटलीस्ट कमा सकते हो, और आप अपस्किलिंग करते जाओगे तो आपका मार्केट वैल्यू बढ़ते जाएगा, आपके बग्स की क्वालिटी बढ़ती जाएगी और आपका जो बाउंटी है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये दोनों मेथड्स हैं, और अभी देखते हैं हम लोग, देखिए हम साइबर सिक्योरिटी में हम सब व्हाइट हैट हैकर्स हैं। अब क्या है ये व्हाइट हैट हैकर्स, होते है कौन है? देखिए हैकिंग में तीन तरह के हैकर्स होते हैं, एक व्हाइट हैट हैकर, एक ग्रे हैट हैकर और एक ब्लैक हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर, तीनों के पास नॉलेज ऑलमोस्ट सेम होती है, उनका सोर्स ऑफ नॉलेज ऑलमोस्ट सेम होता है, बस उनको उस नॉलेज को यूज करने के मेथड, उस इंटेंशन के वजह से उनके हैक्स बदल जाते हैं, उनका रोल रोल चेंज हो जाता है। व्हाइट हैट हैकर जो होता है वो एथिकली हर काम करता है अंडर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ लॉ, वो कभी लॉ नहीं तोड़ता, ना ही ऐसा कोई इलीगल काम करता है जिससे क्लाइंट को नुकसान हो, है ना। तो वो एक प्रोफेशनल पेनेट्रेशन टेस्टर होता है। मान के चलो हम लोग पेन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो पेन टेस्ट ले लेते हैं, तो एक प्रोफेशनल पेनेट्रेशन टेस्टर होता है जो आपका परमिशन लेके डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपके सिस्टम को हैक करके आपको रिपोर्ट बना के देगा कि मैंने ये कैसे किया, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सको ब्लैक हैट हैकर से। ब्लैक हैट हैकर कौन होता है? ब्लैक हैट हैकर वो होता है जो इसी नॉलेज को मिसयूज करता है फॉर मॉनेटरी गेन या रिवेंज पर्पस, है ना। या तो वो बदला लेना चाहता है या उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो अपना इस नॉलेज को वो ऐसे कामों के लिए लगाएगा, वो किसी को हैक करेगा और डेटा सेल कर देगा, है ना, या वो किसी के ऊपर अपना बदला निकालना चाहता है तो उनको हैक करके उनका कोई प्राइवेट डेटा पब्लिक कर देगा। तो ये सारे काम करता है जिससे लॉस होता है, देखो इमोशनल फिजिकल मेंटल लॉस कराने का काम जो है वो ब्लैक हैट हैकर का होता है, वो करता है। ये जो इलीगल है, अनएथिकल है, ये काम नहीं करना चाहिए आपको भी। हमारे कोर्स में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी
जिसमें जिससे आपको लगे कि अरे वाह ये तो पावरफुल चीज है यार। पर आप लोग से मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसका मिसयूज ना करें, इसका यूज आप एथिकली करें, एंड आप एथिकली मींस ढूंढने की जिससे आपकी लाइफ और बाकियों की आपके जो सगे संबंधी हैं उनके लाइफ अच्छी बन सके। आप लोग इसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करिएगा, इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और लास्ट में ग्रे अटैकर्स होते हैं, वो जो अपना सर्विस हाईएस्ट बिडर को देते हैं, मतलब आप उनको पैसे दो वो अच्छे काम भी करेंगे, आप उनको पैसे दो वो बुरे काम भी करेंगे, लीगल इलीगल उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रे अटैकर्स ही होते हैं, पर हमारा फोकस है व्हाइट हैट हैकिंग पे और हम व्हाइट हैट हैकर्स ही बनना है हमें, है ना? ये मेरी उम्मीद है कि आप सब व्हाइट हैट हैकर्स ही बनोगे आगे जाके। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है कोडिंग जंक्शन और हमारा हेड ऑफिस जो है ये आगरा में है ना? तो हमारे कोर्स का नाम है एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन कोर्स। ये कोर्स 2 महीने का होगा, है ना? वीकडेज मंडे टू फ्राइडे होगा क्लासेस, और एवरी डे 1 आवर होगा क्लास। एंड आपका एक प्राइवेट ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स का, जिसमें वो डाउट क्लैरिफिकेशन कर कर सकते हैं। एंड हर क्लास के आपको नोट्स हमारे तरफ से मिलेंगे, नोट्स लिंक्स कमांड्स जो उस क्लास के अंदर डिस्कस हुआ रहता है वो आपको हमारे तरफ से ही मिलेगा। एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आप क्लास अटेंड ना कर पाओ तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे साइड से, पर ये एक रेगुलर अफेयर नहीं होगा। अगर इमरजेंसी है तभी हम लोग एंटरटेन करेंगे, नहीं तो वी डोंट नहीं का हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं करते। क्योंकि इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि हमारे जो क्लासेस रहते हैं ये 90% प्रैक्टिकल और 10% थ्योरी रहते हैं, है ना? तो हम ऐसे प्रैक्टिकल क्लासेस के सेशंस देते जाएं तो आगे जाके हमें ही दिक्कत होगी, आप लोग समझ सकते हो। तो इसीलिए हम क्या है हर क्लास के रिकॉर्डिंग्स नहीं देते, पर हाँ अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है आप लोग जिससे जिसके वजह से आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो यस डेफिनेटली हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे और आपके डाउट्स भी सॉल्व हमेशा करा दे रहते हैं हम लोग। और इसका हमने फीडबैक भी डाला है, हमारा एक बैच अभी अभी खत्म हुआ है, हमने एक फीडबैक डाला है यूट्यूब पे, आप लोग उस पर देख सकते हो कि हमारे बैच के अंदर स्टूडेंट्स को कैसा लगा हमारा कोर्स करके, है ना? वो लाइव रिकॉर्डेड था तो आप लोग लाइव देख सकते हो कि क्या स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया थी। YouTube पे हमारा एक वीडियो है इसके ऊपर, आप देख सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं कोर्स के अंदर। कोर्स का सबसे पहला मॉड्यूल होगा सेटिंग अप द लैब। आपको लैब सेटअप करा दिया जाएगा, आपको काली लिनिक्स इंस्टॉल करा दिया जाएगा। काली लिनिक्स क्या है यही सोचते होगे बहुत सारे लोग, आप लोग देखते होगे शॉर्ट्स में रील्स में काली लिनिक्स पैरेट ओएस ब्लैक आर्च। तो ये सारे जो है लिनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे हैकिंग टूल्स होते हैं, बस इतना ही है। तो आपको काली लिनिक्स जो कि इंडस्ट्री सर्टिफाइड बेस्ट है, काली लिनिक्स आपको इंस्टॉल करा दिया जाएगा विदाउट एनी एरर्स, और आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको करा दी जाएगी इस तरह से कि आपको ना लैग करे ना आपको कोई एरर आए। आपका लैब सेटअप करा दिया जाएगा पहले ही क्लास के अंदर, एंड फिर आपको बेसिक कमांड्स वगैरह बताए जाएंगे जिसके नोट्स आपको ग्रुप के अंदर जैसे मैंने बताया मिल जाएंगे, बेसिक कमांड्स चलाने के। और आपको प्रैक्टिकली कराया जाएगा कि कौन कौन से कमांड्स आपको यूज लेने। देखिए कमांड्स तो वैसे बहुत सारे हैं ना, लिनक्स के भी बहुत सारे कमांड्स हैं, पर हम लोग उतने ही कवर करेंगे जितने आपको रियल लाइफ में यूज होंगे। तो हम लोग ऐसे कमांड्स कवर नहीं करेंगे जिससे आप लोग को बस लगे कि सीख रहे हो, नहीं, हम लोग ऐसे कमांड्स ही कवर करेंगे जिससे आप लोग एक्चुअली सीखो कुछ। इसके बाद हम आएंगे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स पे। नेटवर्किंग क्या है, हर फील्ड में आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग 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 ही मिलेगा। नेटवर्किंग एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, जैसे इंसान रीढ़ की हड्डी के बगैर नहीं चल सकता, आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर रीढ़ के बिना नेटवर्किंग के नहीं चल सकते। नेटवर्किंग बेसिक कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग है कि एक डिवाइस और दूसरा डिवाइस कैसे कम्युनिकेट कर रहा है ना? उसके अंदर का डेप्थ क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं, ये सारी चीजें आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्लियर करा दी जाएंगी। हमारे पूरे कोर्स के अंदर बस ये एक ही जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का, बस ये एक ही थियोरेटिकल प्योरली थियोरेटिकल रहेगा, बाकी सारे मेथड बाकी सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये प्रैक्टिकली रहेंगे। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स आप लोग को जब तक क्लियर नहीं हो जाते
हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि नेटवर्किंग के बगैर आप लोग कुछ नहीं समझोगे। तो आप लोग नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद वी विल मूव इनटू द फाइव फेजेस ऑफ हैकिंग, हम लोग एंटर करेंगे, जो कि फर्स्ट है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनिसेंस, जिसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज भी बोला जाता है। इसमें हम आपको एक्टिव एंड पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मेथड सिखाएंगे, टूल बेस्ड, जिससे आप एक लाइव टारगेट के ऊपर पैसिव एंड एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर सको। पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इसको कैसे करें, रिजल्ट्स में क्या फर्क है, ये सब आपको कोर्स के अंदर डिटेल में हमने आपको प्रैक्टिकली बताया है। फिर इसके बाद स्कैनिंग नेटवर्क एंड इन्यूमरेशन कराते हैं हम लोग, जिसके अंदर आप ओपन पोर्ट्स, उनके अंदर रन होने वाली सर्विसेस, यूजर नेम्स, थीम्स, प्लगइन्स, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोग को स्कैन और एन्यूमरेट करना सिखाते हैं। एन्यूमरेशन और स्कैनिंग का मतलब है हम लोग जैसे एंटीवायरस स्कैन करता है ना वायरसेस मैलवेयर के लिए, तो ऐसे ही हम लोग स्कैन करेंगे ओपन पोर्ट्स के अंदर और उनके सर्विसेस के अंदर कि कौन कौन सी आउटडेटेड सर्विसेस हैं, कौन कौन से आउटडेटेड अनयूजुअल पोर्ट्स हैं, और एन्यूमरेशन में कवर करेंगे। एन्यूमरेशन का मतलब है गैदरिंग, यूजर नेम्स, थीम्स और प्लगइन्स जैसे अलग अलग विविध चीजें गैदर करेंगे हम लोग, है ना, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वल्नरेबिलिटी है उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के अंदर या नेटवर्क के अंदर, है ना। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, एक सिंपल वर्ड में वल्नरेबिलिटी का मतलब है कमजोरी। हमें यही ढूंढना है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम यही करेंगे कि आपको टूल बेस्ड अलग अलग टूल्स की मदद से आपको सिखाएंगे कि वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढनी है, कमजोरी कैसे ढूंढनी है किसी भी नेटवर्क या वेब एप्लीकेशन के अंदर, जिससे आपको एक्सेस मिले, जो है हमारा मॉड्यूल 7, गेनिंग एक्सेस सिस्टम हैकिंग। तो आपको कोई भी सिस्टम के अंदर एक्सेस कैसे मिले, यहां मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, सिस्टम का मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, सिस्टम का मतलब हो सकता है डिवाइस भी हो सकता है, वेब सर्वर भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है या वेबसाइट भी हो सकता है ना। तो सिस्टम का मतलब आप लोग सिर्फ यही मत समझो कि सिस्टम का मतलब सिर्फ पीसी या लैपटॉप है, नहीं, ये तो छोटी सी चीज है, ये तो आपको मतलब आपको आराम से करा देंगे हम लोग। हम लोग डिवाइस, नेटवर्क, सर्वर तीनों को कवर करेंगे अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, सेमी रियल टारगेट्स के साथ हम कवर करेंगे आपका, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। एंड उसके बाद स्निफिंग कवर करेंगे हम लोग, स्निफिंग के अंदर डेटा ट्रैफिक एनालिसिस और पैकेट एनालिसिस कवर करेंगे, टूल्स जैसे कि वायरशार्क और टीसीपी डंप यूज करना सिखाया जाएगा आपको। ये इंडस्ट्री लेवल टूल्स हैं जो रियल लाइफ में आपको डेटा एनालिसिस और पैकेट एनालिसिस करने में 100% हेल्प करेंगे। और अगर आप स्निफिंग सही से करते हो तो कभी कभी ऐसे चांसेस भी होते हैं कि आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स भी मिल जाए, यूजर नेम और पासवर्ड भी मिल सकता है, अगर आप स्निफिंग प्रॉपरली परफॉर्म करते हो। फिर इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग में जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो टेक्नोलॉजी प्लस साइकोलॉजी इज इक्वल टू सोशल इंजीनियरिंग। कैसे एक कस्टम लिंक क्राफ्ट करें, हमारे पेलोड को कैसे डिलीवर कराए बिना टारगेट को डाउट आए, ऐसे मेथड्स आपको अभय सर सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कई सारे स्कैमर्स को पकड़वाया है सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके। तो ये आपको अपने वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज से आपको सिखाएंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसको कैसे किया जाता है और सक्सेसफुली कैसे करना है, ये आपको सिखाएंगे, आप लोग अच्छे से सीखना है इसको। फिर इसके बाद हम आएंगे सेशन हाईजैकिंग के अंदर। सेशन हाईजैकिंग क्या है, सेशन हाईजैकिंग बेसिकली अगर सिंपली बताऊं तो सेशन हाईजैकिंग से आप बिना यूजर नेम और पासवर्ड के नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, आहा और क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी बिना यूजर नेम और पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हो। नाम से ही पता चल रहा है, पर अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग कोर्स के अंदर इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी। इसके बाद हम आएंगे वायरलेस नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन। तो बेसिकली वायरलेस नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हम वाईफाई हैकिंग सीखेंगे। वैसे तो देखिए वाईफाई हैकिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, और हाँ, वाईफाई हैकिंग का मतलब सिर्फ पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड निकालना नहीं होता, उसके पहले भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं और उसके बाद भी कई सारे अटैक्स होते हैं। तो हम सब कवर करेंगे इन डिटेल प्रैक्टिकली, ताकि आप लोग के दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पे जितने भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे चीजें आपको प्रैक्टिकली कराई जाएंगी और आपके हाथों से कराई जाएंगी, और कोर्स के अंत तक आप लोग
हम लोग की गारंटी यह है कि आप लोग ये सारे अटैक्स खुद परफॉर्म कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं, एक तो मैनुअल है, एक ऑटोमेटेड है। तो इसमें आपको एक 10,000 वर्थ रुपीज टूल भी मिलेगा हमारे तरफ से, जो कि हम पर्सनली यूज करते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल डिवाइस के हैकिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, वो आपको पर्सनली हमारा टूल दिया जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको 30,000 रुपीज के वर्थ टूल्स फ्री में दिए जाएंगे, जो इंक्लूडेड रहेंगे और लाइसेंस्ड रहेंगे, और जिनके मतलब एक्सपायरी नहीं रहेगा, जो लाइफ टाइम चलेंगे, है ना। और फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का पार्ट इस कोर्स के अंदर हमने थोड़ा मतलब छोटा रखा है, क्योंकि एनोनिमिटी खुद एक कोर्स बनने के लायक है, पर हम चाहते थे कि स्टूडेंट्स की ओवरऑल एजुकेशन हो, हर तरफ से उनको नॉलेज मिले, हर चीज का नॉलेज मिले, इसलिए हमने एनोनिमिटी का भी एक छोटा सा पार्ट रखा है। इसमें आपको अपने आप को कैसे हाइड करना है, अपनी आईपी एड्रेस कैसे चेंज करनी है, आपका मैक एड्रेस कैसे चेंज करना है, ये सब चेंज करने से होता क्या है, ये सब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। और हमारे देखिए मैक्सिमम चीजें टूल बेस्ड ही रहेंगी, आपको इसके लिए एडवांस प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, वेल एंड गुड, आप लोग समझ जाओगे, और अगर नहीं आती है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टूल्स चलाना बाएं हाथ का खेल है। हम आपको गाइड करेंगे हर स्टेप में, हम आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, 100% क्लैरिटी के साथ आपको कराया जाएगा, यह हमारी गारंटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपको ट्राई हैकमी के मशीन्स कराएंगे। मैंने बोला था कुछ देर पहले कि सेमी रियल मशीन्स कराया जाएगा आपको, तो हर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आपको ट्राई हैकमी के मशीन्स कराएंगे। ट्राई हैकमी एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो एथिकली। तो ट्राई हैकमी के मशीन्स फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम कराएंगे आपको, और आपके हाथों से कराएंगे ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। हमारे क्लासेस देखिए ऐसे रहते हैं ना कि आप लाइव करोगे, खुद करोगे और खुद सीखोगे, ऐसे नहीं कि हमने कर दिया, हमें देखिए हमें 5 मिनट लगेंगे, आप लोगों को 5 मिनट नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम खुद तो करते ही करते हैं, आप लोगों से भी कराते हैं, हम स्क्रीन शेयर करा देते हैं और आप लोगों से कराते हैं, ताकि आप लोग स्टूडेंट्स अपने माइंडसेट से समझ सको, आप लोग के लाइव डाउट्स आएंगे, आप लोग के लाइव डाउट्स हम सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को क्या है, क्लैरिटी आए, सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल और कमांड आए, है ना। तो ये है हमारे मॉड्यूल्स, जिसमें जो हम हमारे एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन कोर्स में कवर करेंगे, है ना। तो अभी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, प्लीज अभी पूछ सकते हो, एक एक करके पूछिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या बोल रहे हो। चलिए पूछ सकते हो, आप लोग पूछिए कोई डाउट है तो। जी हैंड रेज मत कीजिए, अपने आपको अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हेलो जी, जी मैं रितेश बात कर रहा हूँ, बट आईडी मेरी दूसरे नाम से होगी। एक्चुअली क्या है, मैंने जो आपकी वीडियोस वगैरह देखी उसके बाद मैंने आपसे फोन पे डिस्कस करा, फिर मैं पूछा। मेरी जो बेसिक क्वेरी है वो ये है कि बेसिकली मैं हूँ मैकेनिकल फील्ड से, टाइम हो गया मेरे को, बट मेरे को इसमें साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो काफी टाइम से मैं देख भी रहा था कि बेसिक नॉलेज वगैरह थोड़ा मेरे को देखने को मिले। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने भी बताया कि कोडिंग की जरूरत नहीं है, चलिए मैं मान रहा हूँ कि कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो क्या मेरे को एडवांस लेवल पर जाने के लिए भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। अगर आप थ्रेट इंटेलिजेंस में जा रहे हो, है ना, हाँ या हाँ एनालिसिस में जा रहे हो, तो आपको कोडिंग ओके की जरूरत नहीं है। पर अगर आप डेवलपमेंट, मैलवेयर डेवलपमेंट, फॉरेंसिक्स, इन फील्ड्स में जा रहे हो, तो आपको कोडिंग की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी इज लाइक मेडिसिन ब्रो, है ना, जैसे मेडिसिन में ओके स्पेशलिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर भी होता है और स्पेशलिस्ट भी होता है। तो जनरल हाँ फिजिशियन और स्पेशलिस्ट में फर्क है। तो अगर आप स्पेशलिटी अगर आप चुन रहे हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, अगर आप पेन टेस्टर बन रहे हो ना, जैसे मैं पेन टेस्टर हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग की एक लिमिट तक नॉलेज है, मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से बहुत कम आता है। ओके जैसे मान पर लीजिए, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी कुछ हम लोग देखते हैं फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया, अगर जी मैं अपने आप को पुलिस के साथ इनरोल करके चलना चाहता हूँ, तब मेरे को किस तरीके की नॉलेज चाहिएगी? देखिए, अगर आप पुलिस के साथ एनरोल करके कराना चाहते हैं, अगर आप यू वांट, अगर आपको काम करना है पुलिस के साथ, तो
आपको देखिए थ्रेट इंटेलिजेंस, होसिन और पेन टेस्टिंग, इन तीनों का नॉलेज होना जरूरी है। सोशल इंजीनियरिंग जैसे मैंने बोला, अभी मैंने आपको बताया ना कि अभय सर एक्सपर्ट जिनके हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग आपको समझ में आना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है स्कैमर की, या जो डेरोगेटरी हैकर है, ब्लैक हैट हैकर है उसकी, और ओसिंट क्या है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो, और पेन टेस्टिंग कि मतलब कैसे आप रिवर्स हैकिंग, मतलब जो स्कैमर है या ब्लैक हैट हैकर है उसको हैक करके आप उसकी इंफॉर्मेशन जैसे कि लोकेशन वगैरह कैसे निकाल सकते हो। तो ये तीन चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हो तो। जो आप अभी कोर्स कराएंगे तो मैं इस इन तीनों चीजों की नॉलेज मेरे को मिलेगी या इनमें से किसी एक चीज को मिलेगी? देखिए हम जो करा रहे हैं इससे आपको सोशल इंजीनियरिंग की नॉलेज मिलेगी, पेन टेस्टिंग की नॉलेज मिलेगी, और ओसिंट का हमारा एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसको हम लोग गूगल डॉकिंग बोलते हैं ना। तो ये तो वैसे तो तीनों ही मिल रहे हैं, पर डेप्थ का फर्क है बस। बट ये है कि टोटल जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ साफ होता जाएगा, वो तो है ही चीज। एग्जैक्टली, देखिए नॉलेज लिमिटेड ही रहता है आपको, बिल्कुल आपके बिल्कुल उसके 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 एप्लीकेशंस आर लिमिटेड रहते हैं। वही चीज। और इसकी फीस वगैरह कितने हैं? इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपको फीस के पूरा स्ट्रक्चर जो है और पेमेंट मेथड्स वगैरह आपको बता दिया जाएगा। और ये 2 महीने नंबर का हमें कोर्स, जी 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स होगा, 1 आवर पर डे होगी वीकडेज के अंदर। और कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट, क्या हमें प्रॉपर इस तरीके का सिस्टम चाहिए? हाँ देखिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आपके सिस्टम का रैम 8 GB हो और कम से कम विंडोज 10 हो। ठीक है। और इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट? नहीं बस इतने में आपकी हैकिंग की लाइफ चल जाएगी अच्छे से। सर मेरा सिस्टम जो है वो 4 GB का है। सर फोर जैसे मेरा जीबी का सवाल ये था कि टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग, देखिए टाइमिंग हम सारे स्टूडेंट से पूछ के कंफर्म करते हैं कि सबसे ज्यादा लोग कौन से टाइम पे फ्री है, अवेलेबल है, क्योंकि देखिए अलग अलग फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं। देखिए जैसे अभी जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से एक है, एक स्टूडेंट होंगे है ना जो जी कॉलेज मैं जाते पूरी हैं। बीटेक का स्टूडेंट। हाँ तो देखो तो इसीलिए क्या है, हम करते हैं सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना के एनरोल होने के बाद उन सबसे जी पूछ सर, के एक कॉमन टाइम फिक्स करते हैं ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। सर मेरा जो और इसका सिस्टम जो फी है क्या ना वो होगा? 4 GB है ना, तो वो इनफ है ना सर? क्योंकि मैं उसमें डाउनलोड कर चुका हूँ वीएम वेयर और काली लिनक्स, तो मैं अभी बेसिक उसमें काम करता हूँ, तो वो चलता है, मतलब ज्यादा लैग नहीं मार रहा। अगर केवल विंडो मतलब वही यूज करो, अगर उसके साथ में विंडो यूज करो ना, तो लैग मारता है। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि 8 GB रख लो तो सही रहता है यार। कम से कम देखो अगर 8 GB नहीं हो रहा है तो कम से कम एटलीस्ट 6 GB तो रखो ही रखो। तो उसमें मतलब वो स्लॉट खाली है तो उसमें ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक ऐड करवा लो। है, ठीक है। और एक ही बार का तो है, ऐसा तो नहीं है कि हर साल रिन्यू करना है, नहीं, सर एक ही जैसे बार का है, पूछ करा रहे थे लो इसका तो फी क्या होगा? अच्छी से चलेगा। हाँ फीस के लिए देखिए आप लोग, अभय सर आप एक बार अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे चैट में प्लीज, नंबर आपको अभय सब सर अपना नंबर सेंड करेंगे। वैसे सभी के पास होगा, मैं दोबारा से आपको भेज देता हूँ। हाँ तो नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा, तो आप लोग अभय सर से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको डिटेल में बता देंगे कि कैसे पेमेंट करना है क्या। हाँ जी सीपीआर लवर, आप हैंड रेज मत करिए, हेलो, डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ जी प्रो आईडी, जी आपको आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हम कोडिंग क्लास ज्वाइन करने या फिर हैकिंग सीखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन देखिए आपको सिर्फ कंप्यूटर चलाने आना चाहिए बस। कि बेसिकली सारे चीजें चलाने आने की जरूरत है क्या? बस बस बेसिक चीजें चलानी आनी चाहिए, कीबोर्ड चलाने आना चाहिए, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक क्या होता है ना, हाँ, बस उतना ही। और क्या, बस उतना ही। पता है। कीबोर्ड और माउस अगर चलाने आता है आपको तो आप हैकिंग सीख सकते हो, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है, हमारा जो एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये वाला कोर्स बिगिनर फ्रेंडली है। ये हम लोगों ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि कोई भी किसी भी फील्ड से अगर उसको साइबर सिक्योरिटी में ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। हाँ, तो हमने ये कोर्स ही अच्छा। ऐसा बनाया कि ये बिगिनर फ्रेंडली है। ठीक है, वही डाउट था मेरे पास। तो नहीं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत हेलो नहीं। सर, आप जी इंडियन बॉय,
सर मेरा नाम राजीव शर्मा है, जैसे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके एक मिनट में बाहर निकलूंगा। हेलो सर, सर मेरा एक डाउट था, मैकबुक में क्या सीख सकते हैं मैकबुक ईयर से? हाँ सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। सर इंडियन बॉय बोलिए। सर जैसे आजकल बहुत सारा स्कैम हो रहा है, जैसे फोन वोन चोरी हो जा रहा तो पुलिस में भी इन्फॉर्मेशन करते हैं तो मतलब नहीं मिल पाता, तो मतलब किसी के ईएमआई से हम उसका लोकेशन निकाल सकते हैं क्या होता है? आईएसपी से डिटेल निकलेगी इंडियन जी, तो कैसे कैसे आपको ओके प्रोसेस फॉलो करना है वो बता दिया जाएगा आपको, और बाकी का उसके बिना आप कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर। हेलो जी बताइए। हेलो हेलो सर। हाँ ऋषि जी बताइए। जी ऋषि जी। सर ये मेरे डाउट तो क्लियर है सर, मैं ये चाहता हूँ ये कोर्स कितने महीने में क्लियर हो जाएगा? 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हेलो जी। हेलो आलम जी, आप पूछिए। हाँ सर, बोले हैं कि 2 महीने के कोर्स है तो इसमें मतलब पूरा मतलब जो फाइनल होता है उस तो फाइनल तक थोड़ी हो पाएगा? देखिए फाइनल का तो साइबर सिक्योरिटी इतना इतना छोटा फील्ड भी नहीं है, ये सीएच लेवल का है केवल। इसके अंदर ये है कि इतने सारे मॉड्यूल्स जो हैं इसमें क्या है कि हम थ्योरी थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली होगा सब कुछ। अभी हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं इसमें, यस सर। क्योंकि इस फील्ड में आपको ऐसा नहीं कि थ्योरी से आप जा करके काम करेंगे किसी भी कंपनी में, आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। यस सर। और सर तो कोई और मतलब कोडिंग वोडिंग मतलब करना तो पड़ेगा, जैसे नहीं, कोई नहीं, लैंग्वेज नहीं। में कोडिंग करना आपको हो। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब हम ही सिखाएंगे इसके अंदर। ठीक है यस सर। ओके और इसमें क्रिप्टोग्राफी सिखाएंगे क्या? क्रिप्टोग्राफी इसमें सिखाएंगे क्या? क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी जाएगी। ठीक है इसके अंदर। हेलो सर मेरा सर, असल मुझे ना थोड़ा सा वो रोजा खोलने का टाइम था ना यहाँ पे, इसलिए टाइम लग गया आधा घंटा, पता नहीं आपने डेमो दे दिया तो मैं तो ले नहीं सका। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो कोर्स से रिलेटेड। असल में थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो कोर्स है इसका क्या करियर पाथ क्या है, इसको करने के बाद हम क्या कर सकेंगे, क्या वाले रोशनी डालनी। ठीक है तो ये सारी चीजें तो अभी इसमें गाइड कर दी है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना डेमो सेशन की वो रिकॉर्डिंग कर ली गई है, अभी आप इसके बाद में व्हाट्सएप पर हाई भेजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ठीक है सर। चले मैं नमाज वगैरह पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा व्हाट्सएप पे हाई करता हूँ, भेजिएगा तो फिर मैं आपसे। ओके 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 बहुत शुक्रिया, बहुत ओके। और किसी को डाउट कोई? ठीक है अबे सर। जी सर इसी पॉजिटिव नोट के साथ एंड करें डेमो। ठीक है सर, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं। हाँ चलिए 2 और मिनट वेट कर लेते हैं, कोई डाउट्स होगा आप लोग को आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा। और ये क्लास जो वीडियोस हो गए वो ऑफलाइन अवेलेबल है? देखिए ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगी आपकी। ठीक है अगर आप किसी मतलब कि कहीं आप फंस गए हैं जैसा कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसके अंदर आपको ग्लोबली वेरीफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोर्स खत्म होने के बाद में, और प्रीमियम टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि मैनुअली तो आपको सारी चीज़ें हैक करना सिखाई जाएंगी, लेकिन उसके अलावा आपको प्रीमियम टूल्स भी दिए जाएंगे जो कि पेड आते हैं। ठीक है उनके थ्रू भी आप कर पाएंगे, और उनके बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकली। सर एक जितना जितना सर हम पढ़ाई करेंगे उतना पीडीएफ वीडीएफ मिलेगा उसका सर? हाँ उसके नोट्स दिए जाएंगे आपको हमारी तरफ से। ओके तो सर इसके लिए तो कोई मतलब लैंग्वेज आना पड़ना चाहिए? नहीं लैंग्वेज को पढ़ने आना चाहिए, वो हम आपको सिखा देंगे हमारे कोर्स के अंदर, हम आपको डिटेल में सिखा देंगे कि लैंग्वेज पढ़ते कैसे हैं, और बहुत आसान है, 15-15 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि स्क्रिप्ट और टूल काम कैसे कर रहा है आप लोग, क्योंकि जब तक उस अंडरस्टैंडिंग नहीं समझोगे कि वो काम कैसे कर रहा है, उसका मैकेनिक्स नहीं समझोगे आप लोग, उसको यूज ठीक से नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को सिखाया जाएगा कि कोई भी टूल या स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ें, वो काम कैसे कर रहा है, बस इतना ही जरूरत है आपको प्रोग्रामिंग का, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ओके सर, मेरे को टूल्स बनाना हो तो बना सकते हैं ना सीख के? तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपका फील्ड है डेवलपमेंट, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ के बना सकते हो बिल्कुल।
ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो ठीक है, चलिए डेमो एंड करते हैं। आप लोग को कोई भी और क्वेरी है तो आप लोग नंबर दिया हुआ है अभय सर का, और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे तो है ही, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो अभय सर को डायरेक्टली, तो वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आपसे क्लास में मिलने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड इवनिंग सर।